है कि इनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब हम उसके परे पहुंच चुके हैं, हम उसके आगे पहुंच गए हैं। लॉ पास हो चुका है थैंक्स टू जावेद साहब्स परसिस्टेंट एफर्ट्स, वो पास हो चुका है। अब आगे की बात करनी चाहिए कि लॉ को कैसे फॉलो किया जाए। जब जमींदारी हटाई गई थी तब जमींदारों को बड़ा बुरा लगा होगा कि अच्छे कि ये लोग कहाँ कहाँ डिजर्व करते हैं। उनको भी लगा होगा बुरा कि अच्छे वाले हमारे अंदर काम कर रहे थे, हमारे टॉयलेट साफ कर रहे थे, या हमारे सर पे बराबरी की बात कर रहे हैं। ये तो लैंड मेरा था, इसमें तो ये काम करता था, अब इसका लैंड कैसे हो गया। ऐसा होता ही है जब भी कोई बड़ा सिस्टम एबॉलिश किया जाता है, जहां पर गुंडागर्दी होती है किसी भी तरह की, चाहे वो रजवाड़ा हो चाहे वो जमींदारी हो। वहां पर जो जमींदार रजवाड़े होते हैं, तकलीफ होती होती है। बट अब क्या किया जाए, रेवोल्यूशन इज रेवोल्यूशन, और आम आदमी को उसका जो सही है वो मिलता ही है। कानून के लोग, कानून को बनाने वाले लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि पूरे देश में कुछ ऐसा लॉ लेके आ जाएं जिस लॉ से आम आदमी नुकसान हो। तो ये जानना और ये मानना जरूरी है कि जो लॉ बना है ये बिल्कुल सही लॉ बना है, अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों को ध्यान में रखकर बना गया है। और इन सब लॉज को पालन करना तो बहुत दूर की बात है, यहां तो सरेआम हमें धमका जाता है कि टेक अस टू द कोर्ट, हमको कोर्ट में लेकर जाओ, ऐसे बोला जाता है कोर्ट में लेकर जाओ। क्योंकि पता है कि कोर्ट में जाएंगे हम लोग, सिंपल आर्टिस्ट लोग हैं, कितना देर खींच पाएंगे, शायद उनको लग रहा होगा ऐसे कि है। उनको ये नहीं पता कि अब हम सोलो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं है, वी आर गवर्न बाय एन एसोसिएशन, हम सब साथ में हैं और हमारे पास एक एसोसिएशन है जिसमें लोग जुड़े हुए, लोग काम कर रहे हैं और अथक परिश्रम के साथ में काम कर रहे हैं। एंड दे इंटेंड टू टेक द स्ट्रगल फॉर मेनी मेनी इयर्स एज लॉन्ग एज इट टेक्स, बिकॉज वी नो दैट वी आर द राइट साइड। वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर आर्म टोस्टिंग यू दैट इफ यू डोंट गिव अस रॉयल्टीज वी विल स्टॉप वर्किंग फॉर यू, वी आर नॉट डूइंग ऑल दिस। We are actually asking them to simply adhere to the law. We want to stick to the law. You please adhere to the law also. And this is the entire scenario. मुझे सिंगल आउट कर रहे हैं, कोई बात नहीं चलेगा। सिंधी को भी किया है, श्रेया को भी कर रहे हैं, काफी लोग हैं। मैं तो एक बहुत बड़ा ही प्यारा सा लड़का है जो बहुत अच्छा गाता है, यंग लड़का है, उसने भी सफर किया है हार्टलेस में। आई वोंट टेक हिज नेम राइट नाउ, मे बी ही विल हिमसेल्फ वांट टू कम आउट ओवर हियर। आई एम अमेज्ड एट द करेज ऑफ यंगर पीपल अराउंड। मतलब मैं जब नया आता तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी जितनी हिम्मत लोगों के अंदर है। सो आई एम रियली 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 इम्प्रेस्ड बाय द यंगर जनरेशन। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो खुद आपको बताएंगे अपने बारे में अगर वो बताना चाहेंगे तो। इट्स नॉट गुड फॉर मी टू यू नो टेक द नेम्स, बट आई रियली रियली रिस्पेक्ट यू गाइज हु हैव एक्चुअली टेकन अ फर्म स्टैंड एंड यू नो थैंक यू फॉर बीइंग अ स्ट्रेंथ एंड दैट्स व्हाट आई लाइक टू से। ठीक है, एक्चुअली इतने सारे पॉइंट्स हैं, किस किस पे बात की जाए। एक तरफ एक फिल्म आई हार्टलेस जिसमें मैंने गाया था वो गाना, और भी कुछ लोग वो डब हो गए, और चलो डब किए तो उसके बाद में हाँ मतलब एक्चुअली सब जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास पास में आते हैं वो म्यूजिक कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, पर हमें प्रेजेंट किए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, तो वो सेफ है। जैसे आपको अभय देओल ने बताया था, अभी 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 के अगर आपने पढ़ा हो उसमें उन्होंने यही बात लिखी है कि वो खुद अपने को उन्होंने पीछे रख रखा है इलीगल काम करने के लिए। ये चार लोग इन्वॉल्व हैं, प्रोड्यूसर, कंपोजर, लिरिक्स राइटर, सिंगर। तो जी हम तो जय माता दी है जी, हम तो सही हैं, हम तो भगवान को मानते हैं जी, हम तो एकदम सीधे साधे लोग हैं, हमको तो जय माता दी। ये गलत काम तो ये लोग कर रहे हैं, चार लोग रॉन्ग लोग, ये चार ये गलत है, हम तो कुछ नहीं कर रहे जी, हम तो हमने सिंपल बात की, हम तो सिंपल लोग हैं, सिंपल लिविंग, सिंपल थिंकिंग, तो हम ये चार लोग हैं गड़बड़। उसमें कुछ मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब ना समझ में आने वाली बात। लॉ कहता है कि राइट्स नॉन असाइनेबल है, इसमें क्या मुश्किल है। ये केजी के बच्चे को भी आप कहोगे कि भैया ये दूध नहीं पीना, ये पॉइजन है, ये अलाउड नहीं है, वो भी बोलेगा हाँ नहीं पीना मुझे, इसमें गंदा कुछ पड़ा होगा। इसमें क्या है, अगर हमको कहा गया लॉ है, लॉ में नहीं बोला है कि ये राइट्स नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते, यू चैलेंज द कोर्ट ना, हम ही खुद कर रहे। बट उसमें ये किसी को बोलना कि तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा गाना डब हो जाएगा, तुम्हारा तुमको कंपोजर से हटा देंगे, ऐसे ऐसा। उस प्रोसेस में हार्टलेस फिल्म में ऐसा हुआ कि शेखर जी को, जिनको मैं बहुत इज्जत करता हूँ तहे दिल से, और मैं हैरान हूं कि उन्होंने मेरे बारे में इतना कुछ उल्टा सीधा कह दिया, और शेखर सुमन साहब जी, तो उन्होंने उनको मैंने लिटरली मैसेजेस भी किए और कहा कि शेखर जी प्लीज, ये मेरा पर्सनल मामला नहीं है, व्यक्तिगत मामला नहीं है, मेरी फ्रेटर्निटी जो है वो मुझको देख रही है कि इस समय पर अगर ये पलट गया तो फिर तो हम भी पलट जाएंगे।
ये अकेले मेरा डिसीजन नहीं, जैसे संजय जी ने कहा कि दिस इज समथिंग विच वॉज डिसाइडेड बाय द एंटायर फ्रेटर्निटी, और हमने कंपोजर्स लिरिक्स राइटर्स की भी सहमति ली, उनसे सोच जावेद साहब से मुलाकात की, और हमने मिलकर निर्णय किया कि हमको ये स्टैंड अब लेना पड़ेगा बिकॉज ये लोग भी ले चुके हैं। ठीक है, उन्होंने मेरा गाना डब कर दिया, कोई बात नहीं चलो, हालांकि गलत है, कर दिया। उसके बाद में ये बुराई कि सोनू चोज रॉयल्टी ओवर लॉयल्टी, मतलब रॉयल्टी तो मिल भी नहीं रही है अभी, हम बात रॉयल्टी की नहीं कर रहे, हम इलीगैलिटीज की बात कर रहे हैं। रॉयल्टी आई कहाँ है, रॉयल्टी दे कौन रहा है, पहली बात तो ये, तुम हमें ना दे सकते हो ना हम तुमसे ले सकते हैं, बिकॉज तुम्हारा हक ही नहीं लेने का। रॉयल्टी इकट्ठा करेगी इसरा या जो कंपोजर्स की जो संस्था है वो करेगी, तुम कहां से मेरी रॉयल्टी दोगे मुझे, तुम हो कौन, तुम्हारे पास है कहां रॉयल्टी, मेरी मेरी रॉयल्टी तो मेरी एसोसिएशन इकट्ठी करेगी। तो मुद्दा ये है ही नहीं कि हम तुमसे रॉयल्टी मांग रहे, हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कीजिए आप, उसको तुम पर्सनल लेवल पे कि नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल ये भी करके करो। एक तरफ वो प्रोड्यूसर है, एक तरफ अभय देओल है, ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, पढ़ाई लिखाई यहां काम आती है। कौन हंसा क्यों हंसा? अच्छा वही, मैं हैरान, मैं मुझे इतना खुशी, इतनी खुशी हुई कि चलो कोई तो समझा हमारी बात को, हमारे प्रोफेशन के लोगों से अलग, इतने लोगों को समझाया, इतने लोगों को बताया, पर सबका एक लोगों ने ब्लॉक लगा लिया दिमाग में कि रॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी। पहली बात तो रॉयल्टी क्यों नहीं, जब पूरा दुनिया में रॉयल्टी चल रही तो क्यों नहीं। उसके बाद दूसरी बात, जब लॉ कह रहा है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है, तो आप बजाय कि हमारा साइड लेने के कि नहीं यू आर लीगल, यू आर लीगली करेक्ट, आप दूसरी तरह की दिशाओं में जा रहे हो। पहली बार अभय देओल जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो हमारी इश्यू को चंद लाइनों में समझाया, उसका साथ दिया, एंड मैं बहुत ही तहे दुआ करता हूं कि ऐसे और भी समझदार पढ़े लिखे और या अपढ़ लिखे लोग आए आगे, और सिंपल बात ध्यान दें कि आज के जमाने में कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी पार्टियां भी हिल चुकी हैं जो समझते थे कि अब वो पूरे देश को कंट्रोल करते हैं, दो दो महीने में बिखर गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि मैं, जिस तरह किसी ने हमारे बारे में कहा है कि नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल, मैं भी ये कहूंगा कि नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। तो काम तो चल जाएगा, भगवान के पास बहुत तरीके होंगे, एक दरवाजा बंद करके चार खोल देगा, सो काम तो निकल जाएगा, बट वी हैव टू स्टिक टू द लॉ, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड दैट इज व्हाई वी आर सो स्ट्रांग, एंड दैट इज व्हाई वी आर सो वोकल अबाउट इट। हाँ, मैं बिल्कुल सब हार्डनेस के सारे गाने डब, जिन लोगों ने साइन नहीं किया उसमें कुछ एकदम यंगस्टर्स हैं, उन्होंने टफ स्टैंड लिया, एज आई ऑलरेडी सेड इट इज बीन। अभी मेरे और भी गाने डबने वाले हैं, अब आपको ये खबर नहीं आएगी कि मैंने कितने गाने गाए हैं, अब आपको ये खबर आएगी मेरे कितने गाने डब हो रहे हैं। मगर जैसे अभी सोनू जी ने कहा कि दो तरीके के प्रोड्यूसर्स हमें देखने को मिले हैं, शेखर सुमन जी और अभी अभय देओल जी, मगर मैं पूरी फ्रेटर्निटी को ये एसोसिएशन से कहना चाहूंगा कि विद दिस एंटायर फ्रेटर्निटी ऑफ आर्टिस्ट्स नाउ रिफ्यूजिंग टू साइन दीज वॉइड अग्रीमेंट्स, द फेट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोर्थकमिंग रिलीजेस विल बी इन डोलड्रम्स। देयर विल बी प्रॉब्लम्स इफ प्रोड्यूसर्स still continue to please the music company by asking the composer, songwriter and singers to sign on those agreements which the associations of all these artists have termed as void and which is against the law of the country. No artist is going to sign it. Baad mein agar release par problem hua, then please, please, please don't blame the artists here, because we still want everyone to be on the same side. And all that the artists are asking today is the aspect ki please adhere to the law of the land. Please don't make us parties to an illegal agreement. Please don't force us to break the law of the land. This is all that the artists are saying. But in spite, jaise aaj main subah Bhushan ji ka, Bhushan Kumar ji ka ek press release dekh raha tha, press statement dekh raha tha, jahan unhone kaha hai ki isi silsile mein, 1/2 ke silsile mein ki ये म्यूजिक मैंने वायकॉम 18 से खरीदा है, मैं ताजमहल आपसे आज ही खरीद लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मैं ताजमहल का डॉक्यूमेंट देता हूं, उसमें लिखता हूं ताजमहल आज से आप मुझे बेच रहे हैं, और आप साइन कर दो और इंडेमनिफाई भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? सो बिफोर एनी वन बाइज अ फ्लैट, डोंट यू आस्क फॉर द लिंक डॉक्यूमेंट्स बिफोर एंटरिंग इन टू एन अग्रीमेंट। अगर आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, मैंने कह दिया ये फ्लैट मेरा है तो आप मान जाएंगे,
उसी तरीके से अगर वायकॉम 18 कह रहा है कि ये गाने मेरे हैं और सारे राइट्स मेरे हैं, तो आपने मान कैसे लिया? तो जरूरत इस बात की है कि पहले जो कार्रवाई है, जो डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई है, वो पहले कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि ये लास्ट मोमेंट पर ये ना हो कि आर्टिस्ट इस चीज को इस प्रेशर में आए कि नहीं अभी साइन कर दीजिए नहीं तो आपका म्यूजिक रिलीज नहीं हो जाएगा, साइन कर दीजिए वरना आपकी वॉइस डब हो जाएगी, ये सब नहीं होना चाहिए। सो द प्रोड्यूसर्स शुड बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट हाउ दे वॉन्ट टू प्रोसीड एंड वॉट इज द स्टैंड दे वॉन्ट टू टेक, बिकॉज द म्यूजिक कंपनीज आर ऑल शैडो बॉक्सिंग टूडे। एज सोनूजी सेड, दे आर इन बिहाइंड द कर्टन्स एंड वॉट दे आर डूइंग इज दे आर मेकिंग द प्रोड्यूसर गेट दीज अग्रीमेंट साइंड from the music composer and from the singers and from the lyric writers. This won't happen. And this is what exactly I think Mr. Abhay Deol had a problem, that number one, he does not want to be a part of an illegal transaction. It's okay if the music company takes a signature directly on the agreement from the music composer or from the singer, that the producers should take that stand. Now, can I request Alka ji to say a few... सॉरी अलका जी, अभी जा देता हूँ।